कई लोग तो प्रयास में रात ने सरकार गिर जे। मैं तो हैरान था कांग्रेस ही तुड़ाने की कोशिश करते थे और अब कांग्रेस की सोच आड़े तुड़ाने लग गए। पहले आपका भांजा लगे के भूपेंद्र हुड्डा जी भांजे लगे, सबसे पहले कहते थे तीन साल में, तीन महीने में, तीन दिन में, 15 दिन में, आज 3.5 साल हो गए, टूटी नहीं टूटी, मजबूती से चली, प्रदेश के विकास के लिए चली। और कोई कह दे मेरे इलाके में विकास नहीं किया। आज सड़कों की बात है, 25-25 करोड़ रुपया प्रत्येक विधानसभा के अंदर हमने देने का काम किया। कोई भेदभाव था हुड्डा जी? हर एक को बराबर हिस्सा मिला। 5 करोड़ हर विधायक को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विकास के लिए दिए पंचायती राज में, तो उससे यह नहीं पूछा कि तू कांग्रेस का विधायक है कि तू सरकार का विधायक है। और तो और, आपके यहां डी प्लान का पैसा था, मैं तो कभी नहीं देखा एमपी कौन है, एमएलए कौन है, जब भी पैसा आया मैं कहा बराबर बांटो, बराबर बटेगा तभी जाके विकास पूरे क्षेत्र का हो। साथियों, कई बार दुख होता है, मैं देख रहा था एक दिन प्रेमलता जी किसी गांव में कह रही थी कि ये इनेलो से भगा दिए गए, छोड़ दिए गए, आप सारे उस दिन साथ थे, कोई हम चोरी करके भागे, कोई डाका मार के भागे। प्रेमलता जी निष्कासित किए गए थे, फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मजबूती के साथ। एक सोच जो चौधरी देवीलाल की थी कि हरियाणा उत्तम नंबर पर पहुंचे, प्रगति के पथ पर चले, उस सोच के साथ आगे बढ़े। 11 महीने मेहनत करी और 11 महीने के अंदर जीरो से पार्टी नई, झंडा नया, डंडा नया, मेहनत कर बढ़े, 17% वोट और 10 विधायक चुनकर अपने दम पे, आपके भरोसे नहीं, किसी और के भरोसे नहीं, विधानसभा में गए और लोगों के विश्वास से गए और लोगों के विश्वास के साथ आज भी खड़े हैं। कोई एक आदमी कहता हुआ धोखा किया, आपके भी घर से बहुत लोग अलग अलग पदों पर रहे हैं, उठाकर देख लेना उन पदों के ऊपर रहने के बावजूद भी क्षेत्र का क्या विकास किया और आज क्या विकास हो रहा है। और मैं एक चीज बोल सकता हूं कि आज के दिन भी सोच साफ है, नीयत साफ है और अगले 40 साल बाद भी यहीं खड़ा मिलूंगा और इसी नौ सोच, इसी नीयत के साथ खड़ा मिलूंगा।